हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, बात करेंगे ब्रैडकॉम ग्रुप के बारे में, जिसमें आज भी लोअर सर्किट लगा है और एक नया जो नोटिस है बीएससी के तरफ से ब्रैडकॉम ग्रुप पर दिया गया, उसके बारे में भी बात करेंगे और जानेंगे कि ब्रैडकॉम ग्रुप में आज क्या क्या हुआ। तो फ्रेंड्स, आज ब्रैडकॉम ग्रुप में अगर आप देखोगे तो स्ट्रॉन्ग लोअर सर्किट लगा, फिर से थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश किया था, 32 रुपीज़ तक गया पर सस्टेन नहीं कर पाया और फिर से आ गया 31.45 रुपीज़ पर, जो कि लोअर सर्किट ही लगा। NSE पर 37 लाख शेयर्स ट्रेड हुए अराउंड एंड BSE पर अराउंड 9 लाख, सो ऑल टुगेदर अराउंड 46 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं NSE और BSE मिलाकर। और पर जो एक चिंता की बात यह है, वरीसम बात यह है कि NSE पर भी 43 लाख शेयर्स पेंडिंग थे सेलिंग के लिए एंड BSE पर 9 लाख और अराउंड 52 लाख शेयर्स सेलिंग के लिए लगे हुए थे ड्यूरिंग मार्केट आवर्स, जो कि आज के वॉल्यूम से भी ज़्यादा थे। तो ये काफ़ी नेगेटिव बात हो जाती है, जो कि अभी आने वाले दिनों में मैंने कहा था 30 रुपीज़ तक जाएगा, तो लग तो रहा है कि कल 30 रुपीज़ को टच कर सकता है ब्रैडकॉम ग्रुप का शेयर। फ्रेंड्स, अगर आप देखोगे तो आज भी लास्ट डील हुई है अराउंड 4,10,000, 2,03,000, 2,20,000, 1,50,000, सो ऑल टुगेदर अराउंड 10 लाख के शेयर्स का लास्ट डील हुआ है आज भी, जो कि ठीक ठाक है। बट ओवरऑल देखा जाए तो लगातार गिरावट जारी है और अभी अगर आप देखोगे तो काफ़ी लोग इसमें परेशान हैं कि क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया था, जब तक ये स्ट्रांग बाउंस लेगा नहीं, मैं इसमें नई बाइंग नहीं करने वाला हूँ। मैंने वो बार बार वीडियो में बताया आपको। काफ़ी लोग बोलते हैं हम लोग एवरेजिंग कर लेते हैं, बाय कर लेते हैं, अच्छे रेट में मिल रहा है, सब ठीक है, बट जब तक इसमें पॉजिटिविटी नहीं आती है थोड़ा इसको बाय करना अभी रिस्की हो जाता है। हालांकि आज निफ्टी आईटी भी 0.6% अप था, मतलब निफ्टी सेक्टर सभी निफ्टी आईटी इंडेक्स जो है वो भी ऊपर गया था, उसके बावजूद भी ब्रैडकॉम ग्रुप में अभी लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है। नया नोटिस एक आया है BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के तरफ से ब्रैडकॉम ग्रुप को, कि जो दो दिन पहले जो एकदम बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हो गया था 4,20,00,000 शेयर्स का, उसके बारे में क्लैरिफिकेशन मांगा था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने ब्रैडकॉम ग्रुप के तरफ से, और ब्रैडकॉम ग्रुप ने आज ही तुरंत उसका जवाब भी दे दिया। उन्होंने कहा कि ये जो वॉल्यूम हुआ है उससे कंपनी का कोई मतलब इंटेंशन नहीं है या कोई लेना देना नहीं है, हम जो भी होता है टाइम टू टाइम इंटीमेट करने के लिए वी ऑलवेज इंटीमेट द एक्सचेंजेस अबाउट एनी डेवलपमेंट एंड वी कीप इंटीमेटेड एंड इन्फॉर्म्ड टू द बोथ एक्सचेंजेस। और मतलब इन शॉर्ट उन्होंने यही बताने की कोशिश की है कि जो वॉल्यूम में इंक्रीज़ हुआ है उससे कंपनी का कोई भी उसमें कोई हाथ नहीं है या कोई भी कंपनी का उसमें रोल नहीं है, ऐसा ही ब्रैडकॉम ग्रुप मैनेजमेंट के तरफ से मिस्टर रेड्डी की तरफ से क्लैरिफिकेशन दिया गया है। हालांकि ये जो नोटिस जो दिया गया था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से, ये एक जनरल प्रोसीजर होती है जिसमें जब भी कोई बड़ा वॉल्यूम आता है कोई शेयर में तो उसके बारे में वो पूछते हैं कि भाई क्या बात है, सब ठीक ठाक तो है कंपनी में, अचानक ऐसा वॉल्यूम क्यों बढ़ गया, तो उसके बारे में कंपनी से क्लैरिफिकेशन मांगा जाता है और उसका जवाब ब्रैडकॉम ग्रुप ने दे दिया है। मैंने वो आपको कम्युनिटी सेक्शन में वो लेटर में आपको डाल दूंगा। अब सवाल ये आता है कि 30 का इम्पोर्टेंट एक लेवल आ चुका है जो कि कल आ सकता है, वहाँ से बाउंस लेगा या नहीं लेगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट लेवल हो जाता है ये ब्रैडकॉम ग्रुप के लिए। वैसे देखा जाए तो ये जो फॉरेंसिक ऑडिट का भी टेंशन है और शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में काफ़ी निगेटिविटी है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है क्वार्टर वन का रिजल्ट कैसा आएगा, इसके ऊपर भी आगे की दशा और दिशा डिपेंड करेगी ब्रैडकॉम ग्रुप की, जो कि काफ़ी अभी वोलेटाइल हो चुका है, ये शेयर लगातार गिर रहा है। आप में से किसी ने बाय किया होगा तो कमेंट करके बताना, और कुछ सेल किया होगा तो भी कमेंट करके बताना, आपको क्या लगता है 30 रुपीज़ से बाउंस करेगा या 20 रुपीज़ तक जाएगा, ये भी आप बताना, मैं भी उसके बारे में बताऊंगा आपको, पर कल बताऊंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।